तो रिफ्रेशिंग पानी जो है वो रेडी हो चुका है, तो ये भी खाने को कॉम्प्लीमेंट करता है और बहुत हेल्दी होता है ये भी। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। तो आम की एक और रेसिपी जो कि हिमाचल में बनती है वो आपके साथ लेकर आया हूँ। तो आम का पन्ना के जैसे ही थोड़ा थोड़ा ये होती है, तो कच्चे आम को मैंने अच्छे से उबाल लिया है, तो इनका पल्प हमें चाहिए होगा इसके लिए। और इसको कहते हैं माहनी हिमाचल में, तो बहुत ईजी होता है और ठंडाई की तरह इसको पीते हैं, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आप सिर्फ कच्चे आम लेंगे, उनको उबाल लेना है अच्छी तरह से, अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसका पल्प जो है हमें चाहिए होगा सिर्फ। तो पल्प को निकाल लेते हैं, पल्प रेडी हो चुका है। पल्प को हम डालेंगे कटे हुए प्याज में, तो दो प्याज मैंने लिए हैं जो इनको बारीक कट कर लिया है, इसी में हम इसको पल्प को डाल के मिक्स करते हैं। हरी मिर्च इसमें आप बारीक कट करके डाल सकते हैं, साथ इसमें जाएगा अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर, और इसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी डालने के बाद ठंडा पानी चिल्ड इसमें यूज़ किया, आप चाहे तो घड़े का पानी भी यूज़ कर सकते हैं या फ्रिज का बर्फ़ भी इसमें डाल सकते हैं। तो पानी डालेंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, चीनी अच्छे से घुल जाएगी, उसके बाद इसमें डालेंगे पुदीना बारीक कट करके, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग ये बनता है। तो अच्छे से घोल लेते हैं इसे, और सबसे एंड में डालेंगे पुदीना और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अगर आप चाहें इसको तीखा बनाने के लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत इजी रेसिपी है ये भी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इस तरह का घर का खाना और हिमाचली रेसिपी के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टाइम एंड टेस्ट।